जहाँ तक मुझे याद है, ये अकबर बादशाह का वाकया है और जवाब देने वाला एक हिंदू था, बीरबल उसका नाम था। हुआ ये कि बादशाह ने कहीं सफ़र करना था और सब लोग साथ थे, काफिला साथ था, लश्कर साथ था। रास्ते में एक जगह खेमा लगा और रात का वक्त था, तो बादशाह के खेमे में जो मशाल जल रही थी रोशनी के लिए, वो अचानक बंद हो गई और खेमे के अंदर, बादशाह के खेमे के अंदर घुप अंधेरा हो गया। उस अंधेरे में बादशाह को कब्र याद आ गई कि कब्र में क्या होगा। अब जैसे ही कब्र याद आ गई, दिल बेचैन हो गया। खैर, उसने लोगों को इतला दी, मशाल भी ऑन कर दी गई, लोग भी आ गए, सब कुछ हो गया, मशाल जला दी गई, लेकिन उसके दिल का करार जो था ना, वो नहीं आ रहा था। उसको ख्याल आ गया कि यहाँ इतना अंधेरा, तो कब्र में मेरा क्या बनेगा, चैन नहीं आ रहा था। लोग आए, उसको तसल्लियाँ देते रहे, समझाते रहे, उसको तसल्ली ना हुई। हत्ता के बीरबल आया, उसने एक अजीब अंदाज से बादशाह से ऐसी बात कही, कहने लगा, बादशाह सलामत, तुम लोगों का अकीदा ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में थे, दुनिया रोशन थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो वो नूर ना रहा दुनिया में। हदीस के अंदर आता है, मदीना के अंदर एक तारीकी सी छा गई। तो उसने एक अजीब नुक्ता निकाला यहाँ से, कहने लगा, जब तुम्हारे नबी ज़मीन के ऊपर थे, ज़मीन रोशन थी, आज वो ज़मीन के नीचे अल्लाह ने दूसरे आलम में भेज दिया है, तो वो तो रोशन ही होगा ना, तुम किस बात पर डरते, अब वहाँ अंधेरा कैसे होगा, तुम कब्र के अंधेरे से क्यों डरते हो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।